जयपुर में भी दिखा कंगारू बल्लेबाजों का दम। पहले पांच बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक। भारत को 360 रनों की चुनौती। भारतीय गेंदबाज फिर साबित हुए फिसड्डी। दिल खोलकर लुटाए रन। विनय अश्विन ने ही ले सके विकेट। सचिन के संन्यास से दुखी है विराट कोहली। कहा हमेशा मेरी प्रेरणा रहे। संन्यास के दिन को नहीं करना चाहता याद। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे विकास मलिक। अब मुकाबला पोलैंड के डेविड से। और बोस्निया स्पेन और इंग्लैंड ने किया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। 2014 को ब्राजील में होगा टूर्नामेंट। नमस्कार, स्पोर्ट्स की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा। जयपुर में भी दिखा गेंदबाजों का फ्लॉप शो। ना रफ्तार का चला जादू, ना फिरकी की लगी फांस। अब जयपुर की राह हो गई है मुश्किल, लेकिन बल्लेबाजों से है देश को आस। कैसे जयपुर में टीम इंडिया को मिल सकती है जीत, जानने के लिए शुरू करते हैं जयपुर में जय हो। जयपुर वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 360 रनों की बड़ी चुनौती रखी है। मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और एक बार फिर टीम के ओपनर एरोन फिंच और फिलिप ह्यूग्स ने टीम को दमदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की। इसके बाद मैदान पर आने वाले हर खिलाड़ी ने बड़ी बड़ी साझेदारियां की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पहले पांच बल्लेबाजों ने मैच में अर्धशतक लगाए, जिसके चलते उसने 50 ओवर्स में सिर्फ 5 विकेट के खोकर 359 रनों का बड़ा स्कोर बना लिया। मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज पूरी तरह बेअसर दिखे। फिलहाल टीम इंडिया ने मैच में ताजा जानकारी मिलने तक 80 रन बना लिए हैं। जयपुर वनडे में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर एक नजर डालते हैं। हम आपको बता दें कि इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 64 रन दिए और 10 ओवरों में उन्होंने 64 रन दिए। बात करें ईशांत शर्मा की तो ईशांत शर्मा ने 9 ओवरों में 70 रन दिए और 1 विकेट लिया। विनय कुमार ने 9 ओवरों में 73 रन दिए और 2 विकेट लिए। आर अश्विन ने 8 ओवरों में 50 रन दिए और 1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवरों में 72 रन दिए। कह सकते हैं रविंद्र जडेजा इस मैच में काफी महंगे साबित हुए। यूवी ने इस मैच में 4 ओवरों में 35 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने कैसे पवेलियन की राह दिखाई, आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलियाई विकेट। पढ़ाने की कोशिश की, अच्छी क्रिकेट, यहां रन आउट होने की चांस। आउट बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं, शायद फील्डर भी ही इसकी घोषणा कर देंगे आउट। खतरे की घंटी बजी, घुकू बोल रहा है क्राउड सातवें आसमान पे। जल्दी से जल्दी आउट करना होगा। एक बड़ा शॉट, देखते हैं कैच हो सकता है कि नहीं। ईशांत शर्मा और कैच आउट हो गए 182 पर, तो कहीं ना कहीं वो बंद। और ये मुझे लगता है विकेट का आगाज। और अश्विन सही है कि कोई भी कप्तान हो इस फॉर्मेट में जहां पे इतनी अच्छी विकेट है, बॉल इतनी अच्छी आ रही है। रन आउट रन नहीं था। बेली जो कप्तान थे। चलिए मैच से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने खेल संवाददाता नरेंद्र झिझोतिया का। जी नरेंद्र,
पिछले मैच में भी भारतीय गेंदबाज फ्लॉप साबित हुए थे और इस मैच में भी भारतीय गेंदबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन जारी रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल पार, देखिए हम लगातार इसी तरह की बात करते आ रहे थे कि पुणे जो वनडे था उसमें कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाज किसी तरह की एक मजबूत स्ट्रेटजी के साथ नहीं उतरे थे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वहां पर वो पुणे में 304 रनों का बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि जब जयपुर वनडे में ये गेंदबाज उतरेंगे तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो एक अच्छी फॉर्म में हैं, चाहे बात उनके ओपनर्स की बात की जाए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात की जाए। तो जाहिर तौर पर ये तय था कि अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती है गेंदबाजों की तो आज के जो मुकाबला है जयपुर का उसमें भी एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। और उसी तरह का मैच यहां पर भी देखने को मिला, एक फ्लैट पिच थी और टॉस जीतने का फायदा भी उठाया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने, और जो गेंदबाज थे वो कहीं भी हमारे किसी तरह की एक रणनीति के साथ उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने जैसा चाहा उस तरह के रन बनाए, चाहे बात हमारे तेज गेंदबाज के डिपार्टमेंट की रही हो चाहे स्पिन डिपार्टमेंट की रही हो। पार्थ, यहां पर जिस तरह की कहना चाहिए कि जो मजबूत रणनीति होनी चाहिए थी हमारे गेंदबाजों की वो कहीं भी नजर नहीं आई, और शायद उसी का कहना चाहिए परिणाम रहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इस मुकाबले में 359 रनों के स्कोर तक पहुंचने में कामयाबी रही। जी जी नरेंद्र, हमें ये बताइए कि अब आज जो ऑस्ट्रेलिया ने 359 रनों का बड़ा स्कोर भारत के सामने रखा है, तो जो बॉलर्स थे, जो गेंदबाज थे, वो तो फ्लॉप साबित हो ही गए हैं, तो क्या अब बल्लेबाजों से हम कोई उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पार्थ, ये नहीं कह सकते कि गेंदबाज फ्लॉप हुए तो उनकी कमी जो है या उनकी भरपाई जो है हमारे बल्लेबाज नहीं कर सकते। ये बात जरूर है कि पुणे वनडे में जरूर दोनों ही डिपार्टमेंट में हम फेल रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत मिली है टीम इंडिया को, चाहे रोहित शर्मा की बात हो चाहे शिखर धवन की बात हो, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी है। और ज़रूरत होगी इस बात की कि अब जब आप 360 रनों का स्कोर चेस कर रहे हैं तो आप लगातार स्कोर करते रहें, स्कोर कार्ड पर कभी भी आप कहना चाहिए जो थमने का जो एक वक्त रहता है वो नहीं आना चाहिए। अगर स्कोर कार्ड लगातार रोटेट होता रहेगा तो जाहिर तौर पर एक बड़ा स्कोर जरूर है, लेकिन चेस किया जा सकता है। और देखिए पार्थ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो 300 से 350 का स्कोर उसने कई बार चेस किया है, और जहां तक अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबले की बात है तो 400 से ज्यादा रन का भी स्कोर चेस हुआ है। तो ये बहुत, लेकिन नरेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि भारत ने बड़े बड़े स्कोर को चेस किया है, लेकिन जयपुर के मैदान में अभी तक कोई बड़ा स्कोर चेस नहीं किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात सही है पार्थ। देखिए अब तक अगर दूसरी पारी में अगर वनडे मुकाबले की बात की जाए जयपुर में तो 302 रनों का हाईएस्ट स्कोर है, तो ये बात तो साफ है कि आप 300 के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 350 तक पहुंचना, खासकर उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया जैसे गेंदबाज आपके सामने हो, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आता है। लेकिन क्रिकेट में देखिए कभी भी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक आप मैच का रिजल्ट घोषित नहीं कर सकती कि कौन सी टीम जीत जाए। तो जाहिर तौर पर इंडिया को शुरुआत अच्छी मिली है और इंडिया के बल्लेबाजों में उस तरह की काबिलियत है की वो 300 तो क्या, 350 तो क्या, 400 रनों का स्कोर भी चेस कर सकते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत मिली है। और एक कहना चाहिए जो वहाँ की जो सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो पिच है वो पूरी तरह से फ्लैट है पार्थ, तो और फ्लैट पिच पर अगर एक अच्छी शुरुआत मिली है तो जाहिर तौर पर हम 350 स्कोर का जो टारगेट है 350 रनों का वो भी बहुत आसानी से चेस कर सकते हैं। जी नरेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है इनमें टॉस कितने मायने रखता है, क्योंकि हम जैसे हमने देखा पिछले मैच में पुणे में जो मैच हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी की थी, और आज भी जयपुर में ऑस्ट्रेलिया ने ही टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की, तो इसके पीछे क्या कोई रणनीति है क्या ऑस्ट्रेलिया की? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर इस समय अगर हम भारत के जो मौसम है उसकी बात करें पार, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन कहना चाहिए कि शायद पिच पर उस समय तक मॉइस्चर नहीं रहता, तो जाहिर तौर पर कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, उसको मालूम है दिन में जो धूप रहती है उससे विकेट पूरी तरह से सूखी हुई विकेट रहती है, उस पर कहीं भी मॉइस्चर नहीं रहता, तो ऐसे में पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो दूसरी टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें तो ऐसी हैं कि यहाँ पर आपको के साथ आपको एक कहना चाहिए जो मनोबल का जो खेल रहता है, कहीं ना कहीं जो एक दिमाग का खेल रहता है वो भी बहुत जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया की रणनीति यही रहती है कि अगर वो 300 रनों के आसपास पहुंच जाती है तो वो मानसिक तौर पर भी भारतीय टीम के ऊपर दबाव बना सकती है, वो जानती है कि यहाँ पर जो भारत के मैदान है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेंगे, भारत का जो क्राउड है वो उसको सपोर्ट करेगा, तो इन कंडीशन में अगर पहले बल्लेबाजी करके दबाव बनाया जाता है भारतीय टीम पर तो जाहिर तौर पर उसे न सिर्फ क्रिकेट के मैच में बल्कि मानसिक तौर पर भी भारत को बैकफुट पर धकेला जा सकता है, और शायद उसी स्ट्रेटजी के चलते लगातार वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। और आने वाले जो मुकाबले होंगे पार्थ उसमें भी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है, जो टीम पहले टॉस जीती है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये थे हमारे संवाददाता नरेंद्र जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से
भारत की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आप बने रहिएगा हमारे साथ, अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। At Gambe, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail, make your stay a success, and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Badalna zindagi aur har pal badalti hai khabrein. Kabhi kisi khabar se desh badalta hai to kabhi desh ki rajneeti. कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। The Nisa Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity, and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher, and the competition has to try harder to keep pace. The Nisa Group is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The Nisa Group of Companies, where opportunity is reality. ब्रेक के बाद स्वागत है। जयपुर वनडे में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। हम आपको बता दें कि इस मैच में एरोन फिंच ने 53 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। फिलिप ह्यूग्स ने 103 गेंदों में 83 रन बनाए, जिसमें से उन्होंने 8 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। शेन वॉटसन ने 53 गेंदें खेली और उसमें उन्होंने 59 रन बनाए, जिसमें से 3 छक्के और 4 चौके, 6 चौके शामिल थे। जॉर्ज बेली ने 50 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। एडम वोग्स ने 8 गेंदें खेली, जिसमें उन्होंने 11 रन बनाए, इसमें 1 चौका शामिल है। ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंदों में 53 रन बनाए, उन्होंने 7 चौके मारे और 1 छक्का मारा। तो एक बार फिर रुख करते हैं हमारे खेल संवाददाता नरेंद्र झिझोतिया का। जी नरेंद्र, आखिर ऑस्ट्रेलियाई टीम किस रणनीति के तहत मैदान पर उतर रही है? पिछली बार भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 304 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा, और आज भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 359 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह मालूम है कि भारत का अगर सबसे कमजोर डिपार्टमेंट है तो वो है उसकी गेंदबाजी। अगर हम पिछले कुछ मुकाबलों की बात की जाए, कुछ पिछले कुछ जो टूर्नामेंट है उनकी बात की जाए पार, तो टीम इंडिया की गेंदबाजों ने अगर शुरुआत ही ओवरों में विकेट लेने में कामयाबी हासिल की तो उन्होंने विरोधी टीम पर पूरे मुकाबले में शिकंजा कसा है, लेकिन अगर वो शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पाए तो जाहिर तौर पर वो बैकफुट पर जाते हैं, और शायद इस बात को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से जान चुका है। देखिए, अगर पुणे वनडे की बात की जाए या फिर जयपुर वनडे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर हैं एरन फिंच की बात की जाए, फिलिप ह्यूक्स की बात की जाए, तो इन दोनों ने साफ तौर पे एक स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई है कि हमें शुरुआती ओवरों में बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं लेकिन अपना विकेट बचा के रखना है। लूज अगर खराब गेंदें जो मिलती हैं, लूज डिलीवरी मिलती हैं, उनके ऊपर एक बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो आज के मुकाबले में हमने देखा था कि जो शुरुआत के 10 ओवर थे उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन ही था, तो एक बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगाए, लेकिन सबसे जरूरी जो बात थी वो थी विकेट बचाना, कहीं ना कहीं विकेट बचाने की जो स्ट्रेटजी थी वो उसमें कामयाब रहे। तो ये शायद ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कहना चाहिए जो रणनीति है इस पूरे टूर पर वनडे सीरीज के, कि उन्होंने साफ तौर पे ये प्लानिंग की है कि अगर भारतीय गेंदबाजों को, क्योंकि अगर हम शुरुआती ओवर में विकेट नहीं देते हैं तो वो बैकफुट पर रहेंगे, और ये पूरा का जो कहना चाहिए पूरा का पूरा नज़ारा जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैच की तस्वीर भी बदलने में सक्षम है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो जाहिर तौर पर पूरी की पूरी इसी रणनीति पर फोकस कर रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो भारत के गेंदबाज हैं, चाहे तेज गेंदबाजों की बात की जाए, खासकर अगर हम भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा और विनय कुमार को शुरुआती ओवर में विकेट नहीं देते हैं तो रन बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, और ऐसा शायद कहना चाहिए उसी का जो खामियाजा है कि ऑस्ट्रेलिया पहले मुकाबले में पुणे में 304 रनों के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा और इस जयपुर वनडे में वो 359 का एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहा। जी नरेंद्र, हमें आप ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम एक रणनीति के तहत मैदान में उतर रही है, तो क्या भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो क्या ऑस्ट्रेलिया की रणनीति को समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्या? और जिस तरीके से हम ये सीरीज़ देख रहे हैं तो इसमें एक लंबा स्कोर बनता जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या रणनीति भारतीय टीम को अपनानी चाहिए? अब बिल्कुल, देखिए पार्थ, ये बात तो साफ हो चुकी है, अगर हम तीन मुकाबले की बात करें, T20 जो मुकाबला था उसमें 201 रनों का स्कोर बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, पुणे वनडे में 304 रनों का स्कोर बनाया, और आज तो कमाल की बल्लेबाजी की 359 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। तो ये बात साफ हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले मुकाबलों में भी 300 या उसके आसपास का स्कोर बनाने में कामयाब रहेगा अगर वो पहले बल्लेबाजी करता है। तो जाहिर तौर पर अब ज़रूरत इस बात की है कि हमको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, खासकर गेंदबाजों को, वो जान चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया शुरुआती ओवर खासकर पावर प्ले में अपना विकेट गंवाने के मूड में नहीं है, तो ऐसे में अगर एक मजबूत स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं, क्योंकि धोनी को एक्सपेरिमेंट करने होंगे, अगर वो तेज गेंदबाजों को विकेट नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें शुरुआती ओवर में स्पिनर्स का सहारा लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब जो अगला मुकाबला है मोहाली में खेला जाने वाला है उसमें एक स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं और विकेट लेने में कामयाबी हासिल होती है तो जाहिर तौर पर शायद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो अगले मुकाबले हैं उसमें दबाव बनाया जा सकता है। तो स्ट्रेटजी साफ है, ऑस्ट्रेलिया अपने विकेट नहीं गंवाना चाहता, लेकिन टीम इंडिया के जो बॉलर हैं उनको स्ट्रेटजी एक बदलनी पड़ेगी, धोनी को अपनी रणनीति में चेंज करना पड़ेगा, और खासकर इस पूरी सीरीज में अगर अब हमें इस सीरीज में वापसी करनी है और सीरीज को कहीं ना कहीं जीतना है तो गेंदबाजों से ज्यादा हमें अपने बल्लेबाजों पर भरोसा करना होगा पार, जो कि शायद टीम इंडिया की कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी भी माने जाते हैं। और आज के मुकाबले में भी अगर जयपुर वनडे खासकर जीतना है, सीरीज में बराबरी करनी है एक से, तो बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ा दारोमदार रहने वाला है पार्थ। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो भारत के गेंदबाज लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं और अब ज़रूरत है भारत को एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने की। हम आपको बता दें कि आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 359 रनों का लक्ष्य रखा है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings. Truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The Nisa Group of Companies, where opportunity is reality. आपकी खबरें, आपके मुद्दे, और आपके अनसुलझे सवाल।
अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जाना दुनिया पर। एमवे, आई एम ट्रीटेड लाइक अ सेलिब्रिटी। नाउ ऑन माय बिजनेस लेजर ट्रेवल्स आई वांट टू एक्सपीरियंस ऑल द कैम्बे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स। कैम्बे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, अ डिवीजन ऑफ नीसा लेजर लिमिटेड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सचिन तेंदुलकर 14 नवंबर को मुंबई टेस्ट के साथ क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, लेकिन सचिन अपने पीछे टेस्ट के ऐसे कई रिकॉर्ड छोड़ जाएंगे जिन्हें कोई दूसरा खिलाड़ी पार नहीं कर सकेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज में 16,000 रन भी पूरे कर सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो लम्हा और करीब आता जा रहा है जो भारतीय क्रिकेट को एक गहरा सदमा देकर चला जाएगा। वो लम्हा जिसे सोचने से भी डर लगता था, लेकिन 14 नवंबर से 18 नवंबर की तारीख खेल प्रेमियों को एक ऐसा जख्म दे जाएगी जिस पर कोई मरहम काम नहीं करेगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 18 नवंबर के बाद क्रिकेट के मैदान पर दिखाई नहीं देंगे। सचिन 14 नवंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने होम ग्राउंड मुंबई में टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट खेलेंगे। टी20 और वनडे से संन्यास लेने के बाद सचिन के लिए ये आखिरी इंटरनेशनल फॉर्मेट बचा था, लेकिन अब वो टेस्ट को भी अलविदा कहने वाले हैं। ऐसे में सचिन के लिए इस आखिरी टेस्ट का लम्हा काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 200 टेस्ट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सचिन अब तक 198 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद उनके खाते में 200 टेस्ट होंगे। सचिन का ये वो रिकॉर्ड होगा जिसे आने वाली जनरेशन का कोई खिलाड़ी शायद ही तोड़ सके, क्योंकि 200 टेस्ट के रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी खिलाड़ी को कम से कम 25 साल क्रिकेट खेलनी होगी, जो नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के बस की बात नहीं है। ऐसे में सचिन का ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर माना जा सकता है। 16,000 के पार सचिन तेंदुलकर रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर चुके हैं जिसके आसपास भी कोई दूसरा खिलाड़ी भटक नहीं सकता। वो अपने टेस्ट करियर में अब तक 15,837 रन बना चुके हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ वो 163 रन बना लेते हैं तो उनके टेस्ट अकाउंट में 16,000 रन होंगे, जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए किसी सपने की तरह होगा। यानी सचिन टेस्ट क्रिकेट में रनों की एक ऐसी वॉल खड़ी कर जाएंगे जिसे द ग्रेट रन वॉल ऑफ सचिन तेंदुलकर कहा जाएगा। लेकिन सचिन को चाहने वाले यही दुआ कर रहे हैं कि 14 नवंबर की तारीख कभी आए ही नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, जानो दुनिया। He made it 100, you can say that. Well done Sachin, another 100 in your kitty. तो बहुत जल्द ही वो दिन आने वाला है जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। वहीं इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी सचिन के संन्यास पर दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन उनके लिए प्रेरणा रहे हैं और उनके संन्यास का दुख पूरी टीम को होगा। मुझे अभी पता नहीं है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा वो मैच के बाद, लेकिन मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए और पूरे इंडियन टीम के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि उनको इंडियन टीम में खेलते ना देखना वो पिछले 24 साल से किसी ने सोचा नहीं था। तो वो मोमेंट आएगा और जो उस टाइम रिएक्शन होगा वो मैं उसको अभी तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन आई एम श्योर एवरीवन विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी सैड। आज के लिए बस इतना ही। जानो दुनिया पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, देखते रहिए जानो दुनिया। नमस्कार।